अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से ग्रिफ्ट की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से ग्रिफ्ट की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से ग्रिफ्ट की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूही के बेटा हुआ है और वो बेटा रूही ने ईशा को दे दिया है, यानी अनीशा को दे दिया है, जिसके बाद अनीशा की तो खुशियों कोई इंतहा ही नहीं है, लेकिन मुराद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। रूही की हरकतें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, जिसके बाद मुराद साफ साफ रूही से बात करेगा और यही कहेगा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझसे प्यार करती हो, तो मेरी परेशानियों को ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम इसी तरह करती रही तो मेरी मज़ीद परेशानियों में इजाफा ही होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये बात सुन के रूही मुराद से यही कहेगी कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने आप से मोहब्बत करती हूँ, और जिसको मेरी ख्वाहिशात मेरी परेशानियों की परवाह नहीं है, तो मैं आपकी परेशानियों में तो इजाफा करूँगी ना। ये बात सुन के मुराद बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो रूही को किस तरह से समझाए। दूसरी तरफ अब रूही जो है वो अनीशा बीबी के और ज़्यादा करीब हो गई है, क्योंकि उसके पास उसका बेटा है, जिसके बाद अनीशा यही कहेगी अगर तुम यही चाहती हो तुम्हारी गोद में इसको सुकून दे दो, तुम यहीं पर आ जाया करो बुआ के साथ। लेकिन वो यही नहीं चाहती, बल्कि वो तो इस घर में मलका बनना चाहती है। ये बात सुन के निशा की रूही यही कहेगी कि जब मुन्ना बड़ा हो जाएगा तो वो क्या सोचेगा कि एक माँ मेरी मालकन है और दूसरी नुकरानी की बेटी। ये बात सुन के निशा एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है। अब मुराद परेशान हो चुका है, थक चुका है रूही की इन बातों से, बेचारा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया है। और दूसरी तरफ रूही है कि ख़त्म करने का नाम ही नहीं ले रही, जिसके बाद रूही अपनी वालदा को यही कहेगी कि अम्मा इस घर से नौकरी तो ख़त्म कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जहाँ पर तेरी बेटी मलका बने वहाँ तू नौकरी करे। ये बात सुन के उसकी वालदा भी परेशान हो गई है। वो रूही को बहुत समझा रही हैं, बहुत दिल को करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रूही ख़त्म होने उसकी ख्वाहिशात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसने जो ठान ली है वो करके ही रहेगी, और अब तो वैसे भी वो इतना ज़्यादा मजबूत भी हो गई है। उसने अपना बेटा जो है वो अनीशा को दे दिया है, जिसके बाद अनीशा तो बहुत प्यार करती है, और अनीशा के दिल में अब बहुत सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया है रूही के लिए। रूही के ख़िलाफ़ तो वो कोई बात सुनेगी नहीं, और इसी मौके से फ़ायदा उठा रही है रूही। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है, क्या मुराद जो है वो रूही की बातों को मान लेगा, मुराद रूही की बात मान के उसको अपना लेगा, या फिर वो अनीशा से मोहब्बत करेगा और उसी से मोहब्बत का इजहार करेगा और वादा पूरा करेगा? आपने अपनी कीमत राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से ग्रिफ्ट की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से ग्रिफ्ट की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से ग्रिफ्ट की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूही के बेटा हुआ है और वो बेटा रूही ने ईशा को दे दिया है, यानी अनीशा को दे दिया है, जिसके बाद अनीशा की तो खुशियों कोई इंतहा ही नहीं है, लेकिन मुराद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। रूही की हरकतें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, जिसके बाद मुराद साफ साफ रूही से बात करेगा और यही कहेगा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझसे प्यार करती हो, तो मेरी परेशानियों को ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम इसी तरह करती रही तो मेरी मज़ीद परेशानियों में इजाफा ही होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये बात सुन के रूही मुराद से यही कहेगी कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने आपसे मोहब्बत करती हूँ, और जिसको मेरी ख्वाहिशात मेरी परेशानियों की परवाह नहीं है, तो मैं आपकी परेशानियों में तो इजाफा करूंगी ना। ये बात सुन के मुराद बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो रूही को किस तरह से समझाए। दूसरी तरफ अब रूही जो है वो अनीशा बीबी के और ज्यादा करीब हो गई है, क्योंकि उसके पास उसका बेटा है, जिसके बाद अनीशा यही कहेगी अगर तुम यही चाहती हो तुम्हारी गोद में इसको सुकून दे दो, तुम यहीं पर आ जाया करो बुआ के साथ। लेकिन वो यही नहीं चाहती, बल्कि वो तो इस घर में मलका बनना चाहती है। ये बात सुन के निशा की रूही यही कहेगी कि जब मुन्ना बड़ा हो जाएगा तो वो क्या सोचेगा कि एक माँ मेरी मालकन है और दूसरी नुकरानी की बेटी।
ये बात सुनकर निशा एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है। अब मुराद परेशान हो चुके, थक चुका है रूही की इन बातों से, बेचारा बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया है। और दूसरी तरफ रूही है कि खत्म करने का नाम ही नहीं ले रही, जिसके बाद रूही अपनी वालदा को यही कहेगी कि अम्मा इस घर से नौकरी तो खत्म कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जहाँ पर तेरी बेटी मलका बने वहाँ तू नौकरी करे। ये बात सुनकर उसकी वालदा भी परेशान हो गई है, वो रूही को बहुत समझा रही है, बहुत बिल्कुल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूही खत्म होने उसकी ख्वाहिशात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसने जो ठान ली है वो करके ही रहेगी। और अब तो वैसे भी वो इतना ज्यादा मजबूत भी हो गई है, उसने अपना बेटा जो है वो अनीशा को दे दिया है, जिसके बाद अनीशा तो बहुत प्यार करती है और अनीशा के दिल में अब बहुत सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया है रूही के लिए। रूही के खिलाफ तो वो कोई बात सुनेगी नहीं और इसी मौके से फायदा उठा रही है रूही। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है, क्या मुराद जो है वो रूही की बातों को मान लेगा, मुराद रूही की बात मान के उसको अपना लेगा, या फिर वो अनीशा से मोहब्बत करेगा और उसी से मोहब्बत का इजहार करेगा और वादा पूरा करेगा। आपने अपनी कीमत राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूही के बेटा हुआ है और वो बेटा रूही ने ईशा को दे दिया है, यानी अनीशा को दे दिया है, जिसके बाद अनीशा की तो खुशी कोई इंतहा ही नहीं है, लेकिन मुराद बहुत ज्यादा परेशान हो गया। रूही की हरकतें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, जिसके बाद मुराद साफ साफ रूही से बात करेगा और यही कहेगा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझसे प्यार करती हो, तो मेरी परेशानियों को खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम इसी तरह करती रही तो मेरी मजीद परेशानियों में इजाफा ही होगा, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये बात सुनकर रूही मुराद से यही कहेगी कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने आपसे मोहब्बत करती हूँ, और जिसको मेरी ख्वाहिशात मेरी परेशानियों की परवाह नहीं है, तो मैं आपकी परेशानियों में तो इजाफा करूंगी ना। ये बात सुनकर मुराद बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो रूही को किस तरह से समझाए। दूसरी तरफ अब रूही जो है वो अनीशा बीबी के और ज्यादा करीब हो गई है, क्योंकि उसके पास उसका बेटा है, जिसके बाद अनीशा यही कहेगी अगर तुम यही चाहती हो, तुम्हारी गोद में इसको सुकून दे, तुम यहीं पर आ जाया करो बुआ के साथ, लेकिन वो यही नहीं चाहती, बल्कि वो तो इस घर में मलका बनना चाहती है। ये बात सुनकर निशा की रूही यही कहेगी कि जब मुन्ना बड़ा हो जाएगा तो वो क्या सोचेगा कि एक माँ मेरी मालकन है और दूसरी नुकरानी की बेटी। ये बात सुनकर निशा एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है। अब मुराद परेशान हो चुके, थक चुका है रूही की इन बातों से, बेचारा बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया है। और दूसरी तरफ रूही है कि खत्म करने का नाम ही नहीं ले रही, जिसके बाद रूही अपनी वालदा को यही कहेगी कि अम्मा इस घर से नौकरी तो खत्म कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जहाँ पर तेरी बेटी मलका बने वहां तू नौकरी करे। ये बात सुनकर उसकी वालदा भी परेशान हो गई है, वो रूही को बहुत समझा रही है, बहुत बिल्कुल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूही खत्म होने उसकी ख्वाहिशात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसने जो ठान ली है वो करके ही रहेगी। और अब तो वैसे भी वो इतना ज्यादा मजबूत भी हो गई है, उसने अपना बेटा जो है वो अनीशा को दे दिया है, जिसके बाद अनीशा तो बहुत प्यार करती है और अनीशा के दिल में अब बहुत सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया है रूही के लिए। रूही के खिलाफ तो वो कोई बात सुनेगी नहीं और इसी मौके से फायदा उठा रही है रूही। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है, क्या मुराद जो है वो रूही की बातों को मान लेगा, मुराद रूही की बात मान के उसको अपना लेगा, या फिर वो अनीशा से मोहब्बत करेगा और उसी से मोहब्बत का इजहार करेगा और वादा पूरा करेगा। आपने अपनी कीमत राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से गिरफ्त की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज्यादा सपोर्ट करना है।
लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से ग्रिफ्ट की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूही के बेटा हुआ है और वो बेटा रूही ने ईशा को दे दिया है, यानी अनीशा को दे दिया है, जिसके बाद अनीशा की तो खुशी कोई इंतहा ही नहीं है, लेकिन मुराद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। रूही की हरकतें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, जिसके बाद मुराद साफ साफ रूही से बात करेगा और यही कहेगा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझसे प्यार करती हो, तो मेरी परेशानियों को ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम इसी तरह करती रही तो मेरी मज़ीद परेशानियों में इजाफा ही होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये बात सुन के रूही मुराद से यही कहेगी कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने आप से मोहब्बत करती हूँ, और जिसको मेरी ख्वाहिशात मेरी परेशानियों की परवाह नहीं है, तो मैं आपकी परेशानियों में तो इजाफा करूंगी ना। ये बात सुन के मुराद बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो रूही को किस तरह से समझाए। दूसरी तरफ अब रूही जो है वो अनीशा बीबी के और ज़्यादा करीब हो गई है, क्योंकि उसके पास उसका बेटा है, जिसके बाद अनीशा यही कहेगी अगर तुम यही चाहती हो, तुम्हारी गोद में इसको सुकून मिले, तुम यहीं पर आ जाए करो बुआ के साथ, लेकिन वो यही नहीं चाहती, बल्कि वो तो इस घर में मलका बनना चाहती है। ये बात सुनकर निशा की रूही यही कहेगी कि जब मुन्ना बड़ा हो जाएगा तो वो क्या सोचेगा कि एक माँ मेरी मालकन है और दूसरी नुकरानी की बेटी। ये बात सुनकर निशा एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है। अब मुराद परेशान हो चुका है, थक चुका है रूही की इन बातों से, बेचारा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया है, और दूसरी तरफ रूही है कि ख़त्म करने का नाम ही नहीं ले रही, जिसके बाद रूही अपनी वालदा को यही कहेगी कि अम्मा इस घर से नौकरी तो ख़त्म कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जहाँ पर तेरी बेटी मलका बने वहाँ तू नौकरी करे। ये बात सुन के उसकी वालदा भी परेशान हो गई हैं, वो रूही को बहुत समझा रही हैं, बहुत बिल्कुल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रूही ख़त्म होने उसकी ख्वाहिशात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, इसने जो ठान ली है वो करके ही रहेगी। और अब तो वैसे भी वो इतना ज़्यादा मजबूत भी हो गई है, उसने अपना बेटा जो है वो अनीशा को दे दिया है, जिसके बाद अनीशा तो बहुत प्यार करती है, और अनीशा के दिल में अब बहुत सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया है रूही के लिए। रूही के ख़िलाफ़ तो वो कोई बात सुनेगी नहीं, और इसी मौके से फ़ायदा उठा रही है रूही। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो नाज़रीन आपको क्या लगता है, क्या मुराद जो है वो रूही की बातों को मान लेगा, मुराद रूही की बात मान के उसको अपना लेगा, या फिर वो अनीशा से मोहब्बत करेगा और उसी से मोहब्बत का इजहार करेगा और वादा पूरा करेगा। आपने अपनी कीमत राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से ग्रिफ्ट की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से ग्रिफ्ट की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ, तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से ग्रिफ्ट की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रूही के बेटा हुआ है और वो बेटा रूही ने ईशा को दे दिया है, यानी अनीशा को दे दिया है, जिसके बाद अनीशा की तो खुशी कोई इंतहा ही नहीं है, लेकिन मुराद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। रूही की हरकतें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, जिसके बाद मुराद साफ साफ रूही से बात करेगा और यही कहेगा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझसे प्यार करती हो, तो मेरी परेशानियों को ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम इसी तरह करती रही तो मेरी मज़ीद परेशानियों में इजाफा ही होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये बात सुन के रूही मुराद से यही कहेगी कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने आप से मोहब्बत करती हूँ, और जिसको मेरी ख्वाहिशात मेरी परेशानियों की परवाह नहीं है, तो मैं आपकी परेशानियों में तो इजाफा करूंगी ना। ये बात सुन के मुराद बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो रूही को किस तरह से समझाए। दूसरी तरफ अब रूही जो है वो अनीशा बीबी के और ज़्यादा करीब हो गई है, क्योंकि उसके पास उसका बेटा है, जिसके बाद अनीशा यही कहेगी अगर तुम यही चाहती हो, तुम्हारी गोद में इसको सुकून मिले, तुम यहीं पर आ जाए करो बुआ के साथ, लेकिन वो ये नहीं चाहती, बल्कि वो तो इस घर में मलका बनना चाहती है। ये बात सुन के निशा की रूही यही कहेगी कि जब मुन्ना बड़ा हो जाएगा तो वो क्या सोचेगा कि एक माँ मेरी मालकन है और दूसरी नुकरानी की बेटी। ये बात सुन के निशा एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है। अब मुराद परेशान हो चुका है, थक चुका है रूही की इन बातों से, बेचारा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया है, और दूसरी तरफ रूही है कि ख़त्म करने का नाम ही नहीं ले रही, जिसके बाद रूही अपनी वालदा को यही कहेगी कि अम्मा इस घर से नौकरी तो ख़त्म कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जहाँ पर तेरी बेटी मलका बने वहां तू नौकरी करे। ये बात सुन के उसकी वालदा भी परेशान हो गई हैं, वो रूही को बहुत समझा रही हैं, बहुत बिल्कुल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रूही खत्म होने उसकी ख्वाहिशात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, इसने जो ठान ली है वो करके ही रहेगी। और अब तो वैसे भी वो इतने
इतना ज्यादा मजबूत भी हो गई है। उसने अपना बेटा जो है वो अनीशा को दे दिया है, जिसके बाद अनीशा तो बहुत प्यार करती है और अनीशा के दिल में अब बहुत सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया है रूही के लिए। रूही के खिलाफ तो वो कोई बात सुनेगी नहीं और इसी मौके से फायदा उठा रही है रूही। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है, क्या मुराद जो है वो रूही की बातों को मान लेगा, मुराद रूही की बात मान के उसको अपना लेगा, या फिर वो अनीशा से मोहब्बत करेगा और उसी से मोहब्बत का इजहार करेगा और वादा पूरा करेगा। आपने अपनी कीमत राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।